तो सुबह 8 बजे मैं निकल चुका हूँ घर से, क्योंकि 8:45 बजे का शो है सलार का, जिसका पहला शो मैं देखने जा रहा हूँ। बाकी बात करते वीडियो में। प्रभास की मोस्ट अवेटेड ए सर्टिफिकेशन की मूवी आ चुकी है थिएटर में, जिसके पहले पार्ट का नाम है सलार फर्स्ट वन सीज फायर। इस मूवी का लेंथ है 2 घंटे 55 मिनट का और मैंने इस मूवी को देखा हिंदी के अंदर। और ये अब बताने की जरूरत नहीं है कि इस मूवी को 18 प्लस लोग देख सकते हैं, तो छोटे बच्चे इससे दूर रहें। पर इस मूवी को देखने से पहले कई लोगों के मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, जैसे क्या ये मूवी केजीएफ से ज्यादा फाड़ू है, क्या ये मूवी केजीएफ का पार्ट है। तो मैं उन्हें बता दूं, हाँ नहीं नहीं, ये उसका पार्ट नहीं है। तो अगर आपने ये जान लिया है और आप वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जरा रुकिए, जरा ठहरिए, जरा सुन लीजिए कि ये मूवी भी आपको देखनी चाहिए कि नहीं। आइए इसे भी जान लीजिए। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। वैसे मूवी की स्टोरी मैंने ट्रेलर रिव्यू करते हुए ही गैस कर ली थी, और आई एम डैम श्योर आप में से कई लोगों ने इस मूवी की स्टोरी ऑलरेडी पहले ही गैस कर ली होगी। फिर भी चलो इसकी मूवी की स्टोरी पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, वो भी विदाउट स्पॉइलर। स्टोरी दो दोस्तों की है जो एक खानसान नाम की जगह पर रहते हैं, और उस जगह को हिंदुस्तान के नक्शे से हटा दिया गया है उनके ही लीडरों के द्वारा, क्योंकि उनके लीडर एक समय पे बहुत ज्यादा ताकतवर थे और उन पर हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता, बल्कि हिंदुस्तान के इलीगल कामों पर उनका कानून चलता है। अब दोनों दोस्तों में से एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दूसरे दोस्त को उसकी मदद करते हुए खानसार से बाहर भेजना पड़ता है एक वादे के साथ। अब हमें स्टोरी को 25 साल आगे दिखाई जाती है श्रुति मैम के करेक्टर के साथ, जिन्हें कोई किडनैप करना चाहता है, पर क्यों, किस लिए और अब उन्हें कौन बचाएगा। साथ ही प्रभास को खानसर वापस क्यों जाना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की स्टोरी लाइन जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी है, जो कई लोगों को समझने में थोड़ी सी हिचक हो सकती है। बात करें मूवी की फर्स्ट हाफ की, तो मूवी का फर्स्ट हाफ करेक्टर डेवलपमेंट खानसर क्या है और वहाँ के सील यानी मोहर की कितनी इंपोर्टेंस है, इन्हीं सब बातों में फर्स्ट हाफ निकल जाता है विद द हेल्प स्लो टशन एक्शन के साथ, जो किलो के भाव में बरबर के दिखाया है। पर इन्हीं सब के बीच जो फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी, इरिटेट करेगी, वो है इसका ब्लैक स्पॉट, जो कुछ ऐसा फील कराता है। पर मूवी का सेकंड हाफ ये सारी शिकायतें दूर कर देता है, क्योंकि सब कुछ बहुत साफ साफ और बहुत विजुअल तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ तक कि किसी का हाथ कट रहा है, सर कट रहा है, पैर कट रहा है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाया जाता है। पूरी मूवी का बीजीएम साउंड काफी अच्छा है, पर उसे ज्यादा देर हम गुनगुना नहीं सकते, जैसे केजीएफ के बीजीएम साउंड को हम गुनगुना सकते थे, यानी केजीएफ का बीजीएम साउंड ज्यादा अच्छा था। इस मूवी के माँ के कैरेक्टर को छोड़कर किसी और कैरेक्टर से आप इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे, जैसे आप केजीएफ मूवी के अंदर हर कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो पा रहे थे। खैर, आप इस मूवी को जितना चाहे कंपेयर ना करें केजीएफ से, पर इस मूवी का कोरियोग्राफिक, कलर डिजाइन, बड़े बड़े स्टेज, सब कुछ आपको मजबूर कर देगा केजीएफ से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है इस मूवी का डायरेक्टर सेम है, प्रशांत नील सर, और यहाँ तक कि एडिटर भी सेम ही है। बात करें इस मूवी के अंदर एक्टिंग की, तो सभी एक्टर ने काफी अच्छी एक्टिंग की है, यहाँ तक कि प्रभास की आंखों ने भी इस बार एक्टिंग की है, पर श्रुति हसन मैम की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर लग रही थी। मूवी के खत्म हो जाने के बाद आप आराम से उठ के घर चले जाना, क्योंकि एंड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, कोई मिड क्रेडिट सीन या कोई लास्ट क्रेडिट सीन कुछ भी नहीं है। अगर आप बैठे रह गए तो हमारी तरह अपना टाइम बस खराब करेंगे। इस मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया गया है जिससे डायरेक्ट आप केजीएफ से इसे कनेक्ट कर सकें, पर मैं ऐसा मानता हूं इस मूवी का जब दूसरा पार्ट रिलीज होगा तब हम ज्यादा इस बारे में क्लियर हो पाएंगे कि ये मूवी केजीएफ का पार्ट है या नहीं। मूवी खत्म हो जाने के बाद सलार के दूसरे पार्ट का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। सलार का फर्स्ट पार्ट बना था 270 करोड़ का, अब देखना यह है कि इसका दूसरा पार्ट कितने करोड़ का बनता है। यह मूवी ऐसी तो है जिसे देखते टाइम आप चीख और चिल्ला सकते हैं, खासकर इसके सेकंड हाफ में। अगर मेरी मानिए तो इस मूवी को अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ जाके देखिए, क्योंकि उनके साथ चिल्लाने में अलग ही मजा आएगा आपको। ये मूवी अपने टीजर ट्रेलर और बाकी सारे मटेरियल से जैसा प्रॉमिस कर रही थी कि हम मास सिनेमा ब्रूटल एक्शन से भरे होंगे, तो ये मूवी वो चीजें अपनी प्रॉपर डिलीवर करती भी है, जिसकी वजह से आपको मूवी देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट गए। बाकी मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देता हूँ 3.5 स्टार। आप देखिए इस मूवी को, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। बाय यार, बाय।